ओम गुरुभ्यो नमो ओम गम गणपतये नमः ओम नमते नमो ओम रम रामाय नमः ओम मातिश्री नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आईडी संजय ZE75@gmail.com। केतु का ट्रांजिट कन्या राशि में, तुला राशि को छोड़ के कन्या राशि में गोचर अक्टूबर का महीना 30 के बाद मेष राशि के लिए किस प्रकार का फल लेके आ रहा है, फिर से यहां आपको याद दिला दूं, ये ओवरऑल राशि फल नहीं है, बेसिक कॉमन विस्तार आगे करेंगे। कन्या राशि का छठा स्थान रोग रिपु ऋण का स्थान में केतु जैसे पाप ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह, मैलिफिक प्लैनेट, ऑनऑस्पिशियस प्लैनेट केतु, केत छुड़ाई खेत, केत के तू, के है तू, के है भाई तू, के है भाया तू, ऐसा केतु, कुजवत केतु जो मंगल जैसे अधिउग्रह हठात कुछ देने वाला छठा स्थान में आने वाला डेढ़ साल तक रहेगा। मेष राशि का सप्तम स्थान पे डेढ़ साल तक रह के दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल, झमेला झंझट, झगड़ा, कहीं कहीं कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट तक दिखा दिया, कहीं पर वाद विवाद, डाउट, डिवोर्स तक बात चला गया, कहीं कहीं बिजनेस खत्म हो गया, कहीं कहीं बिजनेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, कहीं कहीं शेयर सट्टा लॉटरी जुआ लेके डुबा दिया, कहीं पर हैवी रेट बढ़ा दिया। देखो सप्तम स्थान माने मार्केट भी है, तो कहीं कहीं रेट डाउनफॉल करा दिया। और केतु यहाँ सप्तम में बैठ के मेष राशि वालों को मानसिक भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भगवा, बुद्धू बनाने के सिवाय अपने स्पाउस, दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार के समस्याओं को भी सबका साथ नहीं, जिनका जिनका दशा अंतरदशा ठीक था, नो प्रॉब्लम, पार हो गए। ढेर सारे मेष राशि वालों को राहु केतु के एक्सिस के कारण, तुला राशि वालों को राहु केतु के एक्सिस के कारण बीमार भी पड़ना पड़ा, सडन बीमार, ठीक था और सडन देखा कि सुबह बीमार, चलो हॉस्पिटल करो खर्चा, ढेर सारे भ्रम, किसी को भूत का भय, किसी को सपना, किसी को सांप और किसी को और कुछ प्रकार का सपना, तनाव, टेंशन, पीड़ा, समझ नहीं पाए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, भ्रम जनित समस्या में पड़े, द्वंद जनित समस्या में पड़े, निर्णय ले नहीं पाए, किसी किसी का लभरा लभरी छोड़ के भाग गया, किसी किसी का हाथ से मोबाइल गिर के टूटा, किसी किसी का चोरी भी हो गया, किसी को अग्नि भय, किसी को भूत भय, किसी को चोर भय, कईयों के घर में चोरी भी हो गया, कुछ लोगों का तो मान सम्मान का भी हानि हो गया मेष और तुला में। बाप अब कन्या में आ रहे हैं तो मेष राशि वाले के छठा स्थान में बेस्ट, रोग रिपु ऋण के घर में केतु पाप ग्रह अच्छे फल करते हैं, तो मेष राशि के लिए तो मैं कहूंगा एक राजयोग है, लेकिन याद रखना केतु अनप्रडिक्टेबल सडन प्लैनेट, हठात कभी रोग बढ़ा देगा, ये नक्षत्र फल जब बोलेंगे, नक्षत्र परिवर्तन, उस समय बात करेंगे, अभी चलिए राशिफल में रहते हैं। हठात रोग बढ़ा सकता है और हठात रोग ले सकता है, सडन ऐसा कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस बन जाएगा जहां पर आप ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा जहां आप ऐसे ही ऋण परिशोध कर लेंगे। गुप्त शत्रु सडन आ सकते हैं और भाग भी सकते हैं, जीवन में ऐसा कुछ नया लोग आने का संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जीवन में मैनेजमेंट करने का कोशिश करेंगे, आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर आपके कुंडली में केतु अच्छा है और दशा अंतरदशा ठीक चल रहा है, लेकिन राहु का चल रहा हो, शनि का चल रहा हो, केतु छठा में बैठा हो, आपको ओवर पावर कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, समस्याग्रस्त कर सकता है। सडन किसी प्रकार का बीमारी और खर्चा में वृद्धि, देखो ये उनके लिए है जिनके विचार में केतु का दृष्टि नहीं है, क्योंकि शहर पर सर विहीन प्लैनेट है, लेकिन कुछ विज्ञ मताना कोई कुछ विज्ञ पंडित को ज्योतिषाचार्यों के मतानुसार केतु का भी दृष्टि है, तो कन्या राशि में केतु बैठ के उल्टा दृष्टि कहो या सीधा दृष्टि कहो, सप्तम दृष्टि में मीन राशि यानी मेष राशि का द्वादश स्थान पे राहु के ऊपर दृष्टि डालना मेष राशि के लिए भिन्न प्रकार के खर्चाओं का मार्ग, विदेश यात्राओं का मार्ग, गुप्त शत्रु विनाश का मार्ग, हॉस्पिटल का चक्कर भी डाल सकता है। जो लोग गलत इलीगल काम में फंसे होंगे उनको कोर्ट कचहरी, माले मकदमा और मामा का घर में रोटी खाने तक भी पहुंचा सकता है।
ढेर सारे धन भी ला के देगा और ढेर सारे धन खर्चा भी करवाएगा। अनकंट्रोल्ड माइंड हो सकता है, तनाव टेंशन पीड़ा बढ़ सकता है, लेकिन छठा का केतु इन सब से बचाने का भी काम करेगा, क्योंकि राहु केतु एक दोनों ऐसे प्लैनेट हैं, कभी राहु ओवर पावर होता है तो केतु कंट्रोल करता है, कभी केतु ओवर पावर होता है तो राहु कंट्रोल करता है। ये समय के अनुसार इंटरचेंजेबल परिवर्तनशील रहेगा, इसलिए ये निर्भर करता है आपकी कुंडली की दशा, अंतरदशा और राहु केतु का स्थिति के ऊपर। ये मैं गोचरीय स्थिति बता रहा हूं। केतु का सप्तम दृष्टि द्वादश स्थान में और पंचम दृष्टि आपके मेष राशि का दशम स्थान के ऊपर, दृष्टि मकर राशि के ऊपर जाना विच्छेदात्मक प्रभाव डाल सकता है, वर्कलोड बढ़ा सकता है, किसी किसी का नौकरी जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी शनि कंट्रोल पे बैठे हैं दशम स्थान में, गुरु बृहस्पति केंद्र में भी बैठे हैं, इसलिए जब तक गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हटे तो आप कटे संभावना है, सबके साथ नहीं। जिनके कुंडली में इस समय कन्या राशि में केतु होंगे उनका बात कर रहा हूं, जिनका नहीं है छोड़ो, उनके लिए थोड़ा सा अलग फल रहेगा। छठा स्थान का केतु का एक दृष्टि और जो आपके धन स्थान पे जाएगा तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं सडन धन का प्राप्ति, तो कभी सडन धन का कमी, कभी अनकंट्रोल खर्चा, तो कभी केतु का दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि आते आते धन से रुकावट भी पैदा कर सकता है। तो मेष राशि के लिए केतु यहाँ छठा में बैठ के, छठा का तो अच्छा करेगा लेकिन 10, 12 और 2 में आप कुछ कॉमन मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट का भी नज़ारा देखने के लिए आने वाला समय में मिलेगा, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जब तक गुरु बैठे हैं, जब तक शनिदेव बैठे हैं आपके लाभ में, मेष राशि का ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम अब दिखाई नहीं देगा। लग्न में मेष राशि का राहु था, सप्तम में केतु था, जितना समस्या था द्वादश छठा में अब ये रिजल्ट पलटी होने वाला है। बस संभालना है तो संभालो द्वादश का राहु को, क्योंकि लग्न का राहु से ज़्यादा पेनफुल द्वादश का राहु और केतु का दृष्टि होता है। तो आगे चल के नक्षत्रफल नवांश फल के बारे में विचार करेंगे, लेकिन इतना याद बताता हूँ अभी जो भी फल कथन में बताया, नक्षत्र परिवर्तन और ग्रहों के बल में परिवर्तन, डिग्री वाइज परिवर्तन, पाद परिवर्तन, अंश परिवर्तन, नवमांश परिवर्तन, ये सारे फल आगे पीछे उल्टा पुल्टा करता है, इस बारे में भी आगे चल के कथन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।